मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को घेरा है। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को प्रदेश के लोगों के लिए निराशाजनक करार देते हुए कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री से जो उम्मीदें थीं उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। प्रेम कौशल ने रैली के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के समक्ष भाजपा के रिपीट होने के दावों को तथ्यहीन करार दिया और कहा कि भाजपा के नेताओं के चेहरे पर चुनावों को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रैली में केवल लोगों को चुटकुले व हिमाचली व्यंजनों के बारे में व्याख्यान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लोगों को खाली हाथ छोड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिना किसी तथ्यों के जीत व रिपीट का दावा कर रहे हैं, मगर रैली में भाजपा नेताओं के चेहरों पर चिंता साफ देखने को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने मन बना लिया है कि अब भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे कि विदित था कि प्रधानमंत्री आएंगे हमेशा की तरह सेपू बड़ी की, और यहाँ के जो खाने वाली जो हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनकी जिक्र करेंगे, तारीफ़ करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे और वापस चले जाएंगे। वही हुआ, प्रधानमंत्री आए और अपना लच्छेदार भाषण दिया, जुमले सुनाए, चुटकुले सुनाए, वापस चले गए प्रधानमंत्री के इस दौरे से हिमाचल के हिस्से में, हिमाचल के खाते में और हिमाचल वासियों के हिस्से में कुछ नहीं आया। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लोगों को जो है वो निराश किया है। और जयराम ठाकुर जी ने जो कल दावा किया प्रधानमंत्री के समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करेंगे, उनके उस दावे के पीछे कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों के ऊपर, चाहे वो प्रधानमंत्री थे, चाहे केंद्र के मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, तमाम जो लीडरशिप थी उनके चेहरों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर चिंता और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो भी मान चुके हैं कि अब आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में मुश्किलों से भरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो तय कर चुकी है। जो उम्मीदें प्रधानमंत्री से थी कि हिमाचल का जो आर्थिक स्थिति है उससे बेल आउट करने के लिए कोई हिमाचल प्रदेश के लोगों की या हिमाचल प्रदेश की सरकार की, जैसा कि डबल इंजन गवर्नमेंट ये कहते हैं, उससे कोई फायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी जो है वो कल ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के प्रधानमंत्री का यह दौरा जो था वो निराशा से भरपूर था और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनको निराशा कहते कहते इस दौरे से कुछ ऐसा